हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज खेलने जा रहा हूँ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियन। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला, क्योंकि हर एक सुपर हीरो जो आपका फेवरेट है वो इस गेम के अंदर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं गेम प्ले को। यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा ट्रेलर या फिर इंट्रो, जो भी बोल सकते हैं इसको। भाई स्पाइडरमैन से स्पाइडरमैन लड़ रहा है, भाई पुराना स्पाइडरमैन नया स्पाइडरमैन से लड़ रहा है। यहाँ पर आ चुका है ब्लैक पैंथर, वो भी किसी के साथ लड़ रहा है। फिर से स्पाइडरमैन यहाँ पर आ चुका है और सामने एक अलग दुश्मन, इसका नाम नहीं पता मेरे को। भाई कैप्टन अमेरिका के साथ एक लड़की लड़ रही है, काफी खतरनाक मूव्स कैप्टन अमेरिका की तरफ से। और लड़की जो है यहाँ पर हार चुकी है, और यहाँ पर सुपरमैन सुपर वुमैन आ गई थी। भाई ये देखो, और बाप रे बाप क्या लग रहा है भाई, काफी शानदार था भाई साहब इंट्रो। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से असली वाला गेम प्ले। यहाँ पर सामने जैसे ही भाई मैं आया, और देखो यहाँ पर दिख रहा है हल्क और स्पाइडरमैन खड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि ये दोनों लड़ने वाला है, लड़ने वाले। एक पंच मार दिया मेरे को हल्क। अरे भाई रुक जा, पंच मारे ही जा रहा है भाई। एक एक पंच इसका 250 किलो का होता है। मैं यहाँ पर अपने आप को कवर कर सकता हूँ अगर मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होल्ड करके रखूँ तो। 3 टैप 4 टैप। और यहाँ पर स्पाइडरमैन के स्किल्स भी कुछ कम नहीं है भाई, तू मारते रहे भाई, शील्ड मेरे को बचाते रहेगा। एक तो स्पाइडरमैन हल्क के सामने इतना ज़्यादा छोटा लग रहा है कि क्या बताएं भाई। हल्क को देखो जायंट जैसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ स्पाइडरमैन को, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ही जीतूँगा। देख सकते हो मैं किस तरीके से हल्क को पीट रहा हूँ भाई। इसको गुस्सा आ गया हल्क को, अब तो शायद से स्पाइडरमैन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है फाइट। ले भाई रुक जाओ, क्या कर रहा है वो भाई साहब, क्या पंच दिया इसने, हल्का पंच भाई, बोले तो 500 किलो का। और ये ले खत्म, 8% बच चुका है, इसे रोड उखाड़ दिया इसने। लेकिन भाई ये हो गया KO, मैं जीत चुका हूँ। यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा मेरा, इसके लिए गाइस लाइक कर देना आप लोग। स्पाइडरमैन जीत चुका है और इसको जिताने वाला मैं ही था। यहाँ पर मैग्नेट कुछ बोल रहा है, फिर उसने मेरे को चैलेंज किया। अब यहाँ पर होने वाला है स्पाइडरमैन वर्सेस मैग्नेटो। पता नहीं ये कैसा पोज लेके खड़ा है मैग्नेटो, इसको मैं एक पंच मतलब स्पाइडरमैन के जाल फेंक के मारूंगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या कर रहा है भाई, रुको रुको रुको, खतरनाक वाला मूव दे रहा है। मुझे संभाल के खेलना पड़ेगा वरना मैं मैग्नेटो से हार सकता हूँ। बट मैग्नेटो को ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन कंट्रोल हो किससे रहा है, हालत ख़राब कर दूंगा मैग्नेटो की मार मार के। लेकिन इसने भी दोनों का इसी बीच मेरे को मार दिया, मार ही जा रहा है। रुक जा यार, थोड़ा ही बच चुका है, इसको मार देता हूँ भाई, पैसे से मार रहा है। ये वाला मुंह खतरनाक है स्पाइडरमैन का, जो जाल खींच के मारता है ना किक। KO हो गया भाई, जीत चुके हम, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर स्पाइडरमैन को कोई हरा ही नहीं पा रहा है, अब देखते कौन सा वाला सुपर हीरो आता है। वैसे ये मैग्नेटो दिल का बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। और यहाँ पर ड्रैग क्रिस्टल, एक सेकंड रुक जा, बीच वाला क्रिस्टल लेना मेरे को। रुको यार, कुछ हो क्यों नहीं रहा। अरे यार अच्छा, ये घूम रहा है लेफ्ट साइड में, ये तो नहीं कहीं। रुको भाई, अरे टच कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा, अबे हो गया चलो। अरे क्या हो रहा है भाई, खतरनाक वाला कुछ हो रहा है। कहाँ चला गया क्रिस्टल, बिगिनर नेक्सस क्रिस्टल। यहाँ से मुझे कोई कैरेक्टर चूज़ करना है, मैं चूज़ करूँगा ब्लैक पैंथर को या हल्क को या फिर स्कारलेट विच। सॉरी यार, मैंने चूज़ किया है ब्लैक पैंथर को, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है ब्लैक पैंथर। भाई ये कहाँ निकल गया, अरे यार ब्लैक पैंथर किधर चला गया। रुक जाओ, टैप टू कंटिन्यू करने दो, क्लेम कुछ तो मिलेगा भाई। चलो रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा है, अच्छा है। अरे यार मुझे खेलना है ब्लैक पैंथर के साथ, एक फाइट खेल लिए। चलो देखता हूँ कहाँ है भाई ब्लैक पैंथर, यहाँ पर है। इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, स्पाइडरमैन को भी सेट कर देता हूँ, यार अच्छा खासा है। चलो भाई शुरू करते हैं सफ़र। ये रहा स्पाइडरमैन, ये कुछ बोले ही जा रहा है। उस ऊपर से ये कौन आ गया भाई, सुमार को भाई पता नहीं कौन आया था। जो भी है भाई, यहाँ से अपना शुरू करते हैं गेम प्ले, लेट्स गो। सॉरी यहाँ पर आयरन मैन के साथ मुकाबला होने वाला है। मैग्नेटो कुछ बोलने को ले आया है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम खेलेंगे स्पाइडरमैन को नहीं, ब्लैक पैंथर को लेंगे। ब्लैक पैंथर वर्सेस होने वाला है, सॉरी सॉरी
आयरन मैन। मैदान में आते ही मैंने आयरन मैन को दो चार पंच मार दिए, उसके बदले में उसने मेरे को छः मारे। रुक जा, अरे भाई साहब स्ट्रांग दिख रहा है मुझे इस आयरन मैन, लेकिन मुझे हारना नहीं है भाई। ब्लैक पैंथर का पंजा जब पड़ेगा ना आयरन मैन के ऊपर, कवच टूट जाएगा। अरे रुको भाई, ये क्या मूव दे रहा है आयरन मैन भाई। मार दिया भाई, चला रहा है तो, लेकिन मेरे को भी खतरनाक मूव देना है। के ओ भाई, दीवार तोड़ दिया, देखो गुस्सा नहीं दिलाने का भाई साहब। ब्लैक पैंथर के अंदर एक खूंखार शेर है, उसको मत जगाना भाई, विक्ट्री हो चुका है। अब दूसरा जो ओपोनेंट है वो लग रहा है मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज। लेट्स गो भाई, ये थोड़ा सा खतरनाक वाला ओपोनेंट होने वाला है, क्योंकि ये तो मेरे को जादू से ही मार देगा। बट कोई बात नहीं, ब्लैक पैंथर यूज़ करने वाले हैं हम लोग। रेडी, लेट्स गो, रुकेंगे नहीं, सीधा फाइट। ये लो, पहले किक पंच सब कुछ मार दिया, बट कुछ कर नहीं रहा। एक सेकेंड, ये देखो मैं बोल ही रहा था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज जादू वादू इस्तेमाल करने वाला है। ये थोड़ा सा टफ कॉम्पोनेंट है, लेकिन हारूंगा नहीं मैं तो, जी जान लगा दूंगा। एक सेकंड को शील्ड, ये भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है भाई, मेरा हेल्थ देख कितना कम हो चुका है। रुको जा भाई, मारे ही जा रहा है, मेरे को मारने दे। ये ले दीवार तोड़। अबे यार, अब दिखाता हूँ। अच्छा, हर बार मारेगा क्या? खत्म, क्यों हो जाएगा ये दीवार? तो यार मर नहीं रहा, दरवाज़ा खोल दिया मैंने तो मार के डॉक्टर स्ट्रेंज का। ब्लैक पैंथर रूम है भाई, पंगा नहीं लेने का, वापस से विक्ट्री हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट था, अब कौन आ रहा है? इसका नाम नहीं पता भाई मेरे को, चश्मा पहना है ग्रीन वाला, कौन है भाई वो बता दे। मैग्नेट भाई, मेरे को अपग्रेड करना है भाई अपना ट्रूप, सॉरी अपना सुपर हीरो को, फिर तो और खतरनाक बन जाएगा भाई ब्लैक पैंथर। कहाँ से अपडेट करूँ वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, इनके ऊपर टैप करता हूँ कि यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, 1300 भाई, कितने पैसे लग रहे हैं? गोल्ड लग रहा, बहुत ज़्यादा गोल्ड लग गया, 2000 के ऊपर लग गया, 2700। तो ये लोग आज अपना ब्लैक पैंथर हो चुका है लेवल 6 का, हम लोग इसको लेवल 10 तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ब्लैक पैंथर का, अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सीधे चलते हैं फाइट की तरफ, अब कौन से वाले सुपर हीरो से हमारा फाइट होगा वो देखते हैं। लेट्स गो, इसको तो मैंने हरा दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई स्पाइडरमैन का दुश्मन है। इन लोगों के बीच में खतरनाक वाला कॉन्वर्सेशन हो गया, अब जाके ये लोग लड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन के साथ लड़ाना ठीक रहेगा, क्योंकि ये इन दोनों का पुराना नाता है। तो आते ही हम लोग रुकेंगे नहीं भाई, इसने तो पहले हिट कर दिया मेरे को। अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, एक सेकंड रुक जाओ। और शील्ड भी ऐसे बना रहा है, इसको पंच ही नहीं मार सकता, मेरे को एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। रुको, अरे भाई साहब वो भाई क्या मूव था इसका, OTT को दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ। यार ये डॉक्टर ऑक्टोपस तो काफ़ी खतरनाक है भाई, देखो कितना ज़्यादा हेल्थ डाउन कर दिया स्पाइडरमैन का। टक्कर का ओपोनेंट है भाई, इसको कैसे मारूं? ओ भाई साहब, ये तो ऊपर जाके कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे रहा है मेरे को। बट इसको पता नहीं कि इस वाले मूव से बचना नामुमकिन है भाई, बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है मेरे को। और गाइस इसी के साथ मैंने स्पाइडरमैन को जिता दिया है। डॉक्टर ऑक्टोपस काफ़ी खतरनाक ओपोनेंट था, खेलने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, टक्कर का गेम है तो मज़ा आता है हमेशा। और दोस्तों यहाँ पर देखो हमें क्या मिला है, एडिट टीम में जाकर के हम जैसे ही चेक करेंगे, यहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका मिल चुका है। इसको लेके अब खेलने वाले हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है भाई, इसलिए इसके साथ खेलेंगे तो हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। अब देखते कौन सा वाला सुपर हीरो है भाई, ये है। अच्छा ये तो कोई सुपर हीरो मुझे लगता नहीं है, ये सुपर हीरोइन है स्केलेटर विच, सॉरी गाइस स्कारलेट विच इसका नाम, बहुत बढ़िया नाम है। इसके साथ फाइट होने वाला है कैप्टन अमेरिका का, लेट्स गो, बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। रेडी है हम लोग, आते ही सीधा फाइट शुरू कर देंगे। कैप्टन अमेरिका का शील्ड है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक, इसको उड़ा के मारेंगे इसके फेस पे, हमेशा के लिए मुंह टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन गाइस देख सकते हो अमेरिका मतलब कैप्टन अमेरिका कितने बढ़िया तरीके से पंच मार रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। लेकिन स्कारलेट विच भी कुछ कम नहीं है, बट यार देख सकते हो कैप्टन अमेरिका तो कैप्टन अमेरिका होता है, कितनी जल्दी और आसानी से स्कारलेट विच को डिफीट कर दिया इसने। शील्ड मैन है भाई, ज़रा सा भी डैमेज नहीं लिया अपने ऊपर, थोड़ा सा ही डैमेज, 2-3% डैमेज कर पाया था स्कारलेट विच ने, बहुत ही कमज़ोर सुपर हीरोइन
या फिर रोमैन थी। अब कौन सा वाला सुपर हीरो भाई, ये तो स्पाइडरमैन है। अब तक मैं स्पाइडरमैन को लेके खेल रहा था, अब वो मेरा ओपोनेंट है भाई, इसको लड़ाऊंगा कैप्टन अमेरिका से। लेट्स गो भाई, आसानी से जीत सकता हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन है सामने, कुछ तो भाई खतरनाक वाले मूव्स वो भी दिखाएगा मेरे को। चलो शुरू करते, लेट्स गो। ये क्या है, अच्छा सेटिंग्स में घुस गया था मैं। पीछे भी जा सकता हूँ ना मैं पहले पीछे सरक नहीं रहा था। देखो गाइस, मैं जैसे ही मार के जब पीछे चला जाऊंगा तो मार नहीं पाएगा मेरे को, तो इससे तो मैं ओपोनेंट के डैमेज से बच सकता हूँ। पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे गेम को खेलते जाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा स्किल्स जो है इम्प्रूव होता जाएगा। यहाँ पर क्या किक मार रहा है कैप्टन अमेरिका ने भाई, पीछे आ जा, सामने आ जा भाई, कितनी स्पीड से सामने आता है भाई। यहाँ पर स्पाइडरमैन को चुटके में ख़त्म कर दिया भाई, क्या खतरनाक तरीके से लड़ता है कैप्टन अमेरिका, फैन हो गया मैं तो भाई। अब कौन आ रहा है भाई, अरे कोई खतरनाक वाला मॉन्स्टर दो ना, सुपर हीरो से क्या लड़वा रहे हो। अरे कैप्टन अमेरिका, ओके चलो भाई, कैप्टन अमेरिका से कैप्टन अमेरिका को लड़वाते हैं, आ जाओ। मजा आएगा भाई इस बार तो, देखने में कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा भाई, सच में बता रहा हूँ, आ जाओ भाई। यहाँ पर मैच शुरू होते ही ओपोनेंट वाला कैप्टन अमेरिका मेरे ऊपर हावी होता है, लेकिन इसको पता नहीं कि ये वाला कैप्टन अमेरिका किससे ऑपरेट हो रहा है। तो भाई संभाल के पीछे जाओ, पीछे, ओके भाई, दो बार पीछे जाओ उसका सामने। वो भाई ये क्या मूव है, किक बहुत बढ़िया था, तो मारता है ना ये, इसने भी दिया रे भाई, सीधा गर्दन पे लात मारता है उठ के, जा खत्म भाई। कितनी जल्दी के वो करता है कैप्टन अमेरिका, कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। जो भी है गाइस, अब सबसे खतरनाक वाला मॉन्स्टर इस एरिया का मतलब इस लेवल का, और इसके साथ लड़वाने वाला ब्लैक पैंथर को, जो कि बहुत ही खोखा तेंदुआ है, मेरे हाथों ये मरेगा, ये रोबोट एंटमैन, सॉरी भाई इस रोबोट को बोल रहा हूँ। भाग के आ जा पीछे आना, भाग के ये ले भाई, रुक जाओ रुक जाओ भाई, पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है भाई, एंटमैन कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। ये देखो भाई साहब खतरनाक वाला मूव, और यहाँ पर मैंने भी मार दिया भाई खतरनाक वाला मूव, ये ले भाई। अब जाके भिड़े दो डेंजरस प्लेयर, लेकिन मैंने अपग्रेड किया था ना ब्लैक पैंथर को, इसलिए कुछ ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ओ भाई ख़त्म कर दिया एंटमैन को, और इसी के साथ ब्लैक पैंथर हो चुका है विनर इस राउंड का। ओ भाई मज़ा आ गया। तो दोस्तों फिलहाल गेम प्ले को यहाँ पर एंड करते हैं, आई होप कि आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है गेम प्ले को, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले के साथ।